अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है वो विद इन वन फ्लावर हो रहा है, यानी कि उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन निकल रहे हैं वो उसी गाइनोशियम के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे फिर, उसे कहेंगे हम एटोगामी, इस विद इन द फ्लावर है। आ रहा है कि समझ में नहीं? कहते हैं ना सर। ओके, एलोगैमी किसे कहेंगे हम फिर? अगर टू डिफरेंट प्लांट होगी, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन, टू डिफरेंट प्लांट होगी, एक फ्लावर के एंड्रोशियम या फिर पोलन ग्रेस, दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के जो फ्लावर रहते हैं उसके काइनोशियम के साथ अगर मैच हो, फर्टिलाइज हो रहा होगा, तो उसे हम एलोगैमी कहते हैं। ओके, और जेटोनोगैमी किसे कहते हैं? अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। ओके, आ गया समझ में सभी को? सर ओके, एक बार मुझे बताओ कि एलोगैमी क्या रहते हैं फिर? डिफरेंट फ्लावर रहते हैं वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एलोगैमी। फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट। यस, डिफरेंट प्लांट रहती है। ओके करेक्ट, एटोगैमी किसे कहते हैं हम? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट। उसको कहते हैं जियोटोनिगेमी, आपने जो बताया उसे कहते हैं जियोटोनिगेमी। ओके, एटोगेमी किसे कहते हैं, एक बार रिपीट करो। विद इन द फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा तो उसे हम एटोगेमी कहते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, जियोटोनिगेमी, एटोगेमी और एलोगेमी में कंफ्यूज नहीं होना। एटोगेमी यानी एटो का मतलब क्या होता है? विद इन द फ्लावर। ओके, एटो का मतलब विद इन द फ्लावर, एलोगेमी का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट, टू डिफरेंट प्लांट में अगर ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे एलोगैमी कहते हैं, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट उसे हम कहते हैं जियोटोनिगेमी। ओके, अब मुझे बताओ एटोगैमी क्या रहता है? विद इन द सेम फ्लावर। यस, ओके, एलोगैमी विद इन डिफरेंट फ्लावर्स। डिफरेंट प्लांट्स यस, रहते हैं। हाँ, डिफरेंट प्लांट रहते हो, करेक्ट। जियोटेनिगेमी डिफरेंट प्लांट, सेम प्लांट में सेम फ्लावर, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट। यस, आ गए सभी को समझ में अच्छी तरह से? देखो हम अब यस नेक्स्ट 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 क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर, सर। हेलो, तो ये इसका आंसर ए होगा ना सर, अब देखो पोलन ग्रेन फोर फ्रॉम वन थ्री फोर फ्लावर टू का। अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स, क्या पूछा है? यस, यहाँ पर क्या पूछा हमें? वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पूछा है, तो इसका आंसर आएगा फिर जियोटेनिगमी। ओके, ऑप्शन ए आएगा। यहाँ पर हमें वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पूछा है। आ गए समझ में? यस सर। ओके, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तीनों यस टर्म सर। वाइज से तीनों भी कंफ्यूज होने वाले चीज ज्यादातर करके, क्योंकि उनके मीनिंग भी थोड़े बहुत सेम ही आते हैं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म बाय फोर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है फोर प्राइम? फोर देखो यहाँ पर अगर वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया होगा तो फोर होता है, कितना? वन। यहाँ पर फोर दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पर फोर दिया टेन है। एक से चार का फॉर्मेशन होता है, एक से चार का फॉर्मेशन होता है, तो चार से कितना होगा फिर? सिक्सटीन। सिक्सटीन यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिक्सटीन। ओके, सिक्सटीन देखो एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ, यूटेरस वजाइना।
यूटेरस यस ऑप्शन सी इज करेक्ट यूटेरस यूटेरस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसेस इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रिप्रोडक्शन सभी को पता है रिप्रोडक्शन बाइनरी पिजन इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स टेक प्लेस इन साइड एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो एग्स ऑप्शन डी इज करेक्ट एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है पोलन किट मटेरियल इज सीक्रेटेड बाय पोलन किट मटेरियल किसे कहते हैं क्या रहता है पोलन किट मटेरियल पता है पोलन किट मटेरियल किसे कैसा रहता है किसे कहते हैं आपने कभी पोलन ग्रेड देखा होगा उस पर येलो कलर का एक लिक्विड चिपका हुआ रहता है उसे को हम कहते हैं पोलन किट मटेरियल ओके देखा होगा ना येलो कलर का ओके अब वो कौन सीक्रेट करता है ये बताओ मुझे एपिडर्मिस एपिडर्मिस या पिरेंडोडर्मिस कुछ बच्चे एपिडर्मिस कर रहे हैं कुछ बच्चे एंडोडर्मिस कर रहे हैं लेकिन दोनों भी आंसर नहीं है इसका सबसे अंदर के लिए यस ऑप्शन ए इज करेक्ट टैप्टियम सब जो पोलन ग्रेन्स की जो कवरिंग रहती है एंड्रोशियम की उसकी सबसे अंदर की जो कवरिंग रहती है उसको क्या कहते हैं हम टैपेटियम ही कहते हैं ना वो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो कि एक न्यूट्रिएटिव टिश्यू भी रहती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे पोलन ग्रेन्स के डेवलपिंग के लिए तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आ जाएगा टैप्टियम ओके कौन सी करेक्ट करता है पोलन किट को सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल स्टडी इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसे ऑल ऑफ दिस क्या है इसका आंसर सॉइल सेक्शन soil section option A not a soil section hum usse kehte hain soil profile okay usse kehte hain soil profile kya kehte hain usse soil profile yes soil profile kehte hain usse organic matter present in the soil is called Humus. Living matter. Yes, humus. क्या कहते हैं उसे? Humus. Humus. क्या क्या प्रेजेंट रहता है humus में? Rotten material. Okay. कौन से? Element के नाम बताओ. Plants and animal के decay. Yes, decaying matter प्रेजेंट रहता है. Particular नाम बताओ क्या रहता है? Nitrogen, phosphorus इस तरह से नाम बताओ मुझे. Carbon. Yes, carbonic compound रहते हैं और और कौन से रहते नाइट्रोजन यस नाइट्रोजन फॉस्फोरस और कैल्शियम ये सभी रहते हैं उसमें ओके द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ
wheat crop. कौन सी सॉइल बेस्ट रहती है? सैंडी सॉइल तो यहाँ पर आ नहीं सकती, ये तो ऑप्शन यहाँ पर ही निकले हो जाते हैं। ऑप्शन बचे ऑप्शन ए और सी दोनों में। लोमाई सॉइल, यस लोमाई सॉइल। ओके लोमाई सॉइल और क्ले सॉइल में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह समझ लो क्या डिफरेंस रहता है। लोमी क्ले सॉइल में मतलब चिकट चिकट माटी, यस लोमी सॉइल हां सब चीनी माटी। लोमी सॉइल में जो आपकी सादी, यस वावर काली माटी। लोमी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू क्ले सॉइल में। ये डिफरेंस दोनों में याद रखने का, क्या न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो लोमी सॉइल में ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं एज कंपेयर टू क्ले सॉइल। यहां पर लोमी सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर वही क्वेश्चन पैडी फील्ड। अभी ऊपर का क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, पैडी द बेस्ट सॉइल ग्रोथ फॉर वीट। वीट क्या आंसर दिया हमने, लोमी सॉइल। यहाँ पर वही है लेकिन यहाँ पर क्रीम पिस्टिक हो गई है, इस वजह से डिमी हो गया लोमी सॉइल। फिर क्या आएगा इसका आंसर, वीट ही एब्सोल्युटली सी ऑप्शन सी। कॉमन ऑप्शन सी वीट। वीट कॉमन इंडिकेटरी ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी बताया मैंने आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में, कौन सा जो फैसल मैटर में प्रेजेंट रहता है जो कि उसका प्रेजेंस डिनोट करता है कि वाटर इकोली सर, ऑप्शन सी। यस ऑप्शन सी इकोलाई। ओके ऑप्शन सी, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते तो हम कह सकते कि जो वाटर वो फैसल मटेरियल से कंटेमिनेशन है उस वाटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, एल्गी। यहाँ पर जो लाइचर दिया, यहाँ पर लाइकेंस ही लाइकेंस, क्या यहाँ पर लाइकेंस। अब बताओ क्या आगे सर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए लाइकेंस। ओके जो एक अल्जी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है जो पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, जहां पर अगर एयर पोल्यूशन होगा ज्यादा तो वहां पर लाइकेंस प्रेजेंट नहीं रहती। ओके सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। क्या आएगा फिर इसका आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लाइकेंस, एक बार रिपीट करो लाइकेंस। लाइकेंस लाइकेंस क्या रहता है, लाइकेंस क्या रहता है, अल्जी और फंगी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है। इसको रिपीट करो एक बार, लाइकेंस क्या रहता है। एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट साइकिल शो सेडिमेंटरी साइकिल। सेडिमेंटरी साइकिल यानी कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो सॉलिड रहते हैं यानी कि रॉक इसके फॉर्म में रहते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो सेडिमेंटरी साइकिल यानी कि रॉक के या रॉक या फिर सॉलिड के फॉर्म में उसकी साइकिल का रेगुलेशन होता है। या इसमें से सॉलिड कौन सा रहता है मुझे बताओ, सॉलिड सर लिथोस्फीयर। हम उसके ऊपर का क्वेश्चन देख रहे हैं, नीचे का नहीं, उसके ऊपर का। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट साइकिल शो सेडिमेंटरी साइकिल्स। यस ऑप्शन बी फॉस्फोरस साइकिल। ओके और जो सल्फर साइकिल यानी कि SO2 और ऑक्सीजन साइकिल है गैसियस साइकिल है, क्या गैसियस। ओके और फॉस्फोरस के साथ कौन सी साइकिल आती है सेडिमेंटरी में, कार्बन साइकिल कैल्शियम, ये सभी साइकिल सेडिमेंटरी साइकिल में आती है। द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम अर्थ के सॉलिड कंपोनेंट को, लिथोस्फीयर। यस लिथोस्फीयर।
ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिथोस्फियर. द स्मोक इज कॉज बाय, सर सी रैपिड अक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर. कौन सा ऑप्शन सी? स्मोक क्या होता है? एक सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि एक फोटोकेमिकल प्रोडक्ट रहता है. ओके जैसे कि पैन कहते हैं उसे, पर ऑक्सो एसिड नाइट्रो पैन, जो कि एक स्मोक है. ओके स्मोक पता है सभी को? स्मोक एक पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन क्रिएट करता है एनवायरमेंट में, जो कि जब हमारे एनवायरमेंट में SO2 CO इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसका डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है, जो कि एक सनलाइट या फिर ओजोन के प्रेजेंस में उड्डन होता है, उसी को कहते हैं हम स्मोक. ओके द प्रोटेक्टिव ओजोन शील्ड इज टू बी फाउंड इन, किस लेयर में रहता है ओजोन? ओजोन किस लेयर में प्रेजेंट रहता है सर? ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर बहुत ऊपर गया. स्ट्रेटोस्फियर में रहता है प्रेजेंट. कहां पे? स्ट्रेटोस्फियर में करीब करीब यहां से 1921 किलोमीटर के बीच रहता है स्ट्रेटोस्फियर. मर्क्यूरी पोल्यूशन कॉजेस, इसका आंसर सभी को आना चाहिए. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है. मर्क्यूरी पोल्यूशन कॉजेस बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से. कौन सा डिसीज होता है मर्क्यूरी कॉजेस की वजह से? ब्लैक फुट डिसीज. देखो जापान पता है सभी को, जापान में सबसे पहले आप वहां पर हुआ था मिनामोटा डिसीज, जो कि वहां पर एक मिनामाई नाम की कंपनी थी जो कि मर्क्यूरी से पोल्यूटेड वाटर रिवर में छोड़ती थी. तो क्या हुआ, वो जो मर्क्यूरी का जो वाटर था वो फिश ने उसको ईट किया, इसकी वजह से मर्क्यूरी जो थी वो फिश के बॉडी में डिपॉजिट हो गई, और वो जो फिश थे वो वहां के लोगों ने खाए, फिश की जो आसपास लोग रहते थे उसको, फिर उसको वो मिनामोटा डिसीज हो गया, जिसमें कि उसके उनकी बॉडी पैरलाइज हो गई, या फिर उसके जो ऑर्गन्स थे वो डैमेज हो गए, कैंसर होने लगा उनको, अभी तक बहुत सारे इन्फेक्शन हुए. ओके वो जापान की एक दुर्घटना थी, वहाँ की कंपनी का नाम था वहाँ के मिनिमा ऐसे कई करो कंपनी का नाम था, इसी वजह से उसको मिनामोटा नाम पड़ा. ओके अब बताओ मर्क्यूरी पोल्यूशन कॉजेस. ओके सर. हेलो मर्क्यूरी पोल्यूशन कॉजेस क्या होता है? मर्क्यूरी की वजह से क्या होता है? क्या होता है मिनामोटा डिसीज? यस अब ईटा डिसीज किसकी वजह से होता है? लीड पॉइजनिंग की वजह से ईटा डिसीज होता है. ओके ईटा डिसीज जो होता है वो किसके पॉइजनिंग की वजह से होता है? लीड के पॉइजनिंग की वजह से. ईटा डिसीज किसके पॉइजनिंग की वजह से होता है? लीड. और ब्लैक फुट डिसीज अर्सेनिक के पॉइजनिंग की वजह से. किसके? अर्सेनिक. और ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें बेबी की पूरी स्किन जो रहती है वो ब्लू कलर की हो जाती है, वो किसके वजह से होता है? वाटर में अगर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम्स. ओके कौन बताता है मुझे जो चारों डिसीज हो उसके तीन चारों के कॉज कौन से? एक बार रिपीट करो कोई भी एक बंदा आके बताओ मुझे. रोहित तुम बताओ, रोहित हुगे तुम बताओ मुझे कि ब्लैक फुट डिसीज किसकी वजह से होता है? हेलो रोहित. किस वजह से होता है वो नहीं पता, पर क्या होता है वो पता है.
ब्लैक फूड डिसीज किसकी वजह से होता है? अर्सेनिक की पॉइजनिंग की वजह से. ओके सर, अर्सेनिक की पॉइजनिंग. इटाई इटाई डिसीज लीड के पॉइजनिंग की वजह से. लीड की वजह. ब्लू बी के पॉइजनिंग. ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके पॉइजनिंग की वजह से होता है? नाइट्रेट. अगर वाटर में अगर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, अगर वो वाटर अगर बेबी को दिया जाए तो उसकी बॉडी का कलर ब्लूइच हो जाता है, जिसका ऑक्सीजन ब्लू कलर के हो जाता है हमारे बॉडी का, क्योंकि उसके बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से उसके बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है. और मिनी माटा डिसीज ये किसके पॉइजनिंग की वजह से होता है? सक्षम तुम बताओ मुझे. हेलो सक्षम. सर ब्लैक फूड डिसीज किसकी वजह से होता है? किसके पॉइजनिंग की वजह से होता है? स्नेक. अर्सेनिक. यस. इटा इटा डिसीज लीड पॉइजनिंग. यस. ब्लू बेबी सिंड्रोम. नाइट्रेट. ओके. मिनी माटा डिसीज मर्क्यूरी पोल्यूशन. मर्क्यूरी. आ गया सभी को समझ में ये क्वेश्चन? अब स्टॉप करना है यहाँ पे आपका सेशन. नहीं सर. ओके. संकेत सर भी लेक्चर लेने लेने लगता है लगता है मेरे को. क्या करना फिर? लेने दो चार क्वेश्चन और. हेलो स्टूडेंट. सर 460 तक कर लेते फिर. 460 तक? क्या क्यों 460 तक ही, ज्यादा नहीं लेंगे? लेते काय झालं? हेलो आपकी वॉइस नहीं आ रही स्टूडेंट. चैट बॉक्स में लिखो आपका क्या क्वेश्चन है. ओके ओके 460 तक लेंगे. ओके कोई दिक्कत नहीं. खाना खाना है सभी को? ओके चलेगा. यस सर. आप जितना कहेंगे उतना ही लेंगे. लेकिन कल से हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं. हम आज मैं आपको ओके कल फिजिक्स स्टार्ट करने ना अपना. फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यस सर. यस सर. संकेत सर ज्वाइन होते बराबर आप लोगों को मैसेज करता हूँ ग्रुप पे. हो सकता है एसएसटी का आज का लेक्चर लग जाए आप लोगों का. और कल के मॉर्निंग में आप लोगों का आपसे एसएसटी का लेक्चर होगा मॉर्निंग 6 से कल से. ओके हेलो सर. फिर मैथ्स का कब है? मैथ्स का 9 to 10. आज 9 to 10 मैथ्स का है. इवनिंग को 9 to 10 मैथ्स का रहने वाला है. मैथ्स का टाइम टेबल चेंज हो गया है. ओके हेलो. मैं मैसेज करता हूँ सर ज्वाइन होते बार. या किसी को तब तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं एकेडमिक्स रिलेटेड या कुछ आप लोगों का रिक्वायरमेंट हो तो.